हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द वेदांत एजुकेशन. दिस इज़ क्लास 12th साइंस, 12th केमिस्ट्री. एज यू नो, वी आर हैविंग पी ब्लॉक यूनिट, पी ब्लॉक चैप्टर, इन विच वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी ग्रुप 16. ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच आर ऑक्सीजन फैमिली. ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, ठीक है, एंड पोलोनियम. ये क्या है? ऑक्सीजन फैमिली है जिसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं. इससे पहले के लेक्चर में हमने ऑक्सीजन के एनामलस बिहेवियर तक बात कर ली थी, सम काइंड ऑफ द इंट्रोडक्टिव पोर्शन, एज द अबेंडेंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द नेचर एंड विद दैट अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स, ओके. और उसके बाद में अब जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इन ऑक्सीजन के एनामलस बिहेवियर के बाद में हम पढ़ेंगे कि इसकी केमिकल रिएक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं सभी एलिमेंट्स की, एज सच विद द हाइड्रोजन, विद द हैलोजन एंड इटसेल्फ विद द ऑक्सीजन, ओके. इन द एनामलस बिहेवियर वी हैड टॉक्ड ऑलरेडी दैट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, किसकी वजह से? डी ऑर्बिटल एब्सेंस की वजह से क्या करता है? ऑक्सीजन विच इज बिलोंगिंग टू द सेकेंड पीरियड और एलिमेंट, एंड दैट्स वाई एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल, एंड दैट्स वाई ऑक्सीजन इज हैविंग एनामलस प्रॉपर्टीज और जस्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन देयर ग्रुप सिंबल्स, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड टॉक्ड अबाउट द एनामलस बिहेवियर, लाइक ऑक्सीजन हैव different nature in absence of the d orbital, like what it forms the p pi bondings, p pi bonding, with the p pi we can say multiple bondings are been formed, theek hai, multiple bonds, as oxygen can form the double bond itself and double bond with the carbon, double bond with the nitrogen and all these things which are belonging right, like the oxygen, carbon and nitrogen. So other elements can only form p pi d pi bondings, and the p pi d pi bonding gives single bond only, okay, and that single bond helps these elements to form the catenation, single bond catenation, okay, and catenation gives them ability to form the allotropes, okay. So oxygen can't be catenation nahi ho sakta, isme allotrop nahi ho sakte hain, ओके गाइस. अच्छा, इसके बाद में हमने इसके अंदर बोला था कि भैया डी ऑर्बिटल नहीं है तो इसमें नो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का कोई एक्सपेंशन नहीं है तो ये क्या कर सकता है? मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी दिखा सकता है. अदर्स क्या करेंगे? अप टू 6, 6 तक, बट जनरली जो 6 कोवेलेंसी बाकी एलिमेंट्स दिखाएंगे वो किसके साथ होंगे? फ्लोराइड्स में मैक्सिमम आती है, बिकॉज फ्लोरीन इज हैविंग ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड जस्ट बाइंड टू द एलिमेंट्स, ओके. अच्छा, इसमें एक और हमने इसमें एनामलस बिहेवियर में देखा था जो इसके डी ऑर्बिटल्स की वजह से ही मान सकते हैं या इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉलर साइज से आप मान सकते हैं, दैट एच बॉन्डिंग फॉर्मेशन, ओके. तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है? एच बॉन्ड कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते हैं. सो ऑक्सीजन से जो हाइड्राइड्स हैं जैसे वाटर मॉलिक्यूल, वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उनका एमपीबी भी बहुत ज़्यादा होता है. तो ये कंपैरिजन मैंने आपको करके बताया था, ऑक्सीजन का वाटर और सल्फर का H2S गैस. तो हमने कहा था कि वाटर लाइज इन द लिक्विड फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर, वेयर एज सल्फर, हाइड्रोजन सल्फर H2S लाइज एज अ गैस इन द रूम टेम्परेचर्स. वट इज द रीजन? रीजन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इन द H2O, विच इंक्रीज इज द MPBP ऑफ द H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके गाइस. देन नाउ वी आर जस्ट गेटिंग अहेड, वन मोर स्टेप फॉरवर्ड, विच इज टू द केमिकल रिएक्शंस. Chemical reactivity. What is the chemical reactivity of all these elements? We will starting just before the all properties. We will talking about the reactivity with the hydrogen. Okay. First hai with hydrogen.
ओके सी हाइड्रोजन के साथ में अगर ये एलिमेंट्स क्या करते हैं रिएक्टिविटी शो करते हैं देन ये क्या फॉर्मेशन करेंगे हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे ठीक है दे फॉर्म्स हाइड्राइड्स क्या बनाएंगे ये हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ दैट H2E. This is the general formula of the hydride which has been formed of these elements. Okay, you can see the example. E is the element and H2. Okay, so water ka kya ho jayega? H2O ho jayega, H2S ho jayega, and so on. You can see, you see the cellarium and tellurium and all. ओके गाइस अच्छा अब हाइड्राइड्स हमने बना लिए हैं इसके अंदर जनरल हाइड्राइड्स की हमने बात कर ली है इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाने वाली बात होती है बच्चों वो होती है एक तो इनका थर्मल स्टेबिलिटी और एसिडिक कैरेक्टर की बात होती है ठीक है देखिए एज डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है इंक्रीज्ड साइज गाइस सिंपल सी चीज है और साइज अगर बढ़ता है इन एलिमेंट्स का तो क्या होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ती है ठीक है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज देन क्या होगा देन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी बताइए मुझे जब भी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन कम होता है दैट मींस वाटर के अंदर ये जो हाइड्राइड बॉन्ड है उसको ब्रेक करना इससे मुश्किल है और इसका और भी आसान अप टू द पोलोनियम यू सी द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग तो क्या होगा बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट होगा ठीक है बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा दैट मीन्स एच प्लस ध्यान देना इस बात पे बाकी सभी क्या हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव और यहां से आप ब्रेक डाउन करोगे तो ब्रेक डाउन कैसा होगा ऐसा एंड इट कुड बी लुकिंग लाइक दिस दैट मींस व्हाट द हाइड्रोजन काइंड इज बीन लिबरेटेड दैट इज एच प्लस और एच प्लस क्या करता है एसिडिक नेचर ठीक है समझ में आ रही बात तो ये जो हाइड्राइड्स है वो एसिडिक होने चाहिए बट टॉप पे क्या होगी एट टॉप दिस इज लीस्ट और बॉटम में क्या होगी एसिडिक नेचर ग्रेटेस्ट ये तो आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि बॉटम में कौन है मेटल्स और मेटल के हाइड्राइड एसिडिक होते हैं नॉन मेटल के क्या होते हैं बेसिक होते हैं तो ये ऑक्सीजन नॉन मेटल में आ रहा है टॉप पे है तो ये क्या हो जाएगी इनके एसिडिक नेचर लिस्ट हो जाएगी एक तो रीजन ये मान सकते हैं दूसरा रीजन आप क्या मान सकते हैं कि हमने ये कहा कि H+ जाएगा टूट करके ब्रेक डाउन होकर के तब तो वो एसिडिक होगा एंड आप देखेंगे कि टॉप पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इनका ये जो बॉन्ड है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो डाउन जाने पर डिक्रीज हो रही है ठीक है ग्रुप में नीचे जाने पर तो हम टॉप ऑफ द ग्रुप बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी तो H+ कम डोनेट होगा तो एसिडिक नेचर कम है तो देखो एसिडिक नेचर एट द टॉप इज लीस्ट एंड बॉटम में क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट बिकॉज बॉटम में जाते जाते एलिमेंट्स का साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से एनर्जी कम होकर के बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट हो सकता है समझ में आ गई बात अच्छा इसी को मैं कोरिलेट कर सकता हूं इसकी थर्मल स्टेबिलिटी से बताइए कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है कि ठीक है कहां डाउन द ग्रुप आप ग्रुप में नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप देन यू सी द थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज ऑफ दिस हाइड्राइड्स क्यों क्योंकि वही वाली चीज है साइज बढ़ रहा है एलिमेंट्स का तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी एट वेरी लेस टेम्परेचर्स द बॉन्ड ऑफ दिस हाइड्राइड्स विल बी ब्रोकन अप तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी बोल रहे हैं ठीक है अच्छा जितना जल्दी वो हाइड्रोजन जा रहा है दैट मीन्स सम स्पीसीज इज एक्सेप्टिंग दैट हाइड्रोजन ऐसे ही कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता कहीं से उसको कोई एक्सेप्ट करने वाला होता है तभी वो रिलीज होता है तो जैसे ही वो हाइड्रोजन यहां से जल्दी रिलीज होगा टॉप टू बॉटम जाओगे कम स्टेबल है तो जल्दी रिलीज होगा तो कोई उसको जल्दी एक्सेप्ट करेगा एंड देन रिड्यूसिंग नेचर See what I am talking about, reducing nature
इंक्रीज हो रहा है बच्चों, टॉप टू बॉटम जाओगे तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आप सोचिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इनका बढ़ेगा। मतलब एबिलिटी टू रिड्यूस समवन, किसी को रिड्यूस करने की एबिलिटी जो है वो टॉप टू बॉटम जाओगे तो इंक्रीज होगी। कैसे, क्यों, कारण आप समझ चुके हैं, क्योंकि आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो हाइड्रोजन को रिलीज करने की कैपेसिटी इनकी बढ़ती जा रही है ड्यू टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज। जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन को डोनेट करेंगे तो उतना ही ज्यादा सामने वाले को रिड्यूस करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अबाउट दी ऑक्साइड्स, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। और वैसे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि एक तो खुद इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना। देखिए ओके, देखिए दे फॉर्म क्या बनाएंगे बताइए, दे फॉर्म ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स कौन से, कौन से ऑक्साइड्स, एलिमेंट EO2 एंड E2O3, बोथ ऑफ द टू काइंड ऑफ द ऑक्साइड्स आर बीन फॉर्म्ड। और इसमें देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, 2 2 4, 4 + 4 and 3 2 6, 2 divide करेंगे +3। तो +3 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऑक्साइड्स को ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, यू सी। एंड आप अब इसमें ये जनरली देखेंगे, अच्छा एक छोटी सी मिस्टेक इसमें, एक छोटी सी मिस्टेक, ये नहीं आप टू मत कीजिए इसको, ये 3 2 6 + 6 स्टेट, क्योंकि +3 स्टेट तो अपन इसमें कंसिडर ही नहीं करते हैं, ठीक है। इवन स्टेट्स चलती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके। तो ये दो टाइप के हमारे पास ऑक्साइड्स बन रहे हैं। अब इसमें ऑक्सीजन तो हम निकाल ही दें, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद ही ऑक्सीजन के साथ थोड़ी एटम मॉलिक्यूल बनाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि O3 ऑक्सीजन का ऑक्साइड क्या है, O3 एंड एक O2 भी है, तो आप उसको तो कंसिडर अपन आगे करेंगे। O3 और SO2 क्या होते हैं, गैसेस होती हैं, ठीक है। जबकि आप सेलेनियम के ऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड्स को देखेंगे तो वो सॉलिड एंड सो ऑन, जैसे जैसे फिर बॉटम की तरफ जाते जाओगे तो वो सॉलिड होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाला हूँ, स्टेबिलिटी की आपसे बात की जाए कि किस टाइप का ऑक्साइड किधर स्टेबल है। आपको मैं लॉजिकली बताऊंगा, क्योंकि आप इसका आइडेंटिफिकेशन करिए उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से। आपको मालूम है कि बॉटम की तरफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू दी वी शुड से अबाउट दी इनर पेयर इफेक्ट। सो EO2 स्टेबिलिटी इंक्रीजेस टू बॉटम ऑफ EO2 टाइप। किसकी बढ़ेगी स्टेबिलिटी, EO2 टाइप की बढ़ेगी, यह बात आप समझिए। क्योंकि EO2 में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों, इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात अपन कर सकते हैं कि भैया रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी बढ़ती है किसकी घटती है। अच्छा एक बहुत ही सिंपल चीज देखना, अगर आपकी इनके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात पूछता है तो आप सीधे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हाइड्राइड्स की सोचिए। हाइड्राइड्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही थी, मेटल के हाइड्राइड आते हैं, बॉटम की तरफ जाओगे तो मेटल से, तो मेटल के हाइड्राइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो मेटल के ऑक्साइड की तो डिक्रीज होगी ना ऑब्वियसली बच्चों, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आप जा रहे हैं तो मेटल बढ़ रहा है, ठीक है, टू बॉटम ड्यू टू मेटल ऑक्साइड देयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, विच वन, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। इवन टेल्यूरियम, ध्यान देना बात पे, इवन टेल्यूरियम डाइऑक्साइड क्या होता है, इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोलोनियम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसकी बात ज्यादा इसमें होती नहीं है, ठीक है। तो देखो टॉप टू बॉटम जाओगे तो ये ऑक्साइड्स की नेचर कैसी है, रिड्यूसिंग नेचर, डिक्रीज होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहते हैं कि वो किसी सामने वाले को ऑक्सीडाइज करें, इसीलिए तो रिड्यूसिंग करेक्टर घटेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग करेक्टर मेटल्स के हाइड्राइड का बढ़ रहा था, तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटल्स के ऑक्साइड्स होंगे, तो उल्टा हो जाएगा, मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग हो रहे थे स्ट्रॉन्ग, तो मेटल के ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो जाएंगे, इसलिए इनकी रेडिएशन प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाएगी टॉप टू बॉटम। और फिर आप बॉटम की तरफ जाकर के टेलुरियम को देखेंगे तो उसके ऑक्साइड तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाते हैं, रेडिएशन होते ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप देखिएगा इसके अंदर। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, एक तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेबल होती है, कौन सी नहीं होती है, वो अपन ने देखा वहाँ पे, कौन रेड्यूसिंग है, कौन ऑक्सीडाइजिंग है। बच्चों ये ध्यान रख लेना, बिल्कुल सस्ते में, बहुत सस्ते में निपट जाएंगे रेड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर को। अगर आपको ध्यान रखना है ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की, तो सिंपल आप देखिए कि हाइड्राइड्स टॉप टू बॉटम जाते हैं तो स्टेबल कम होते हैं, कम स्टेबल होंगे, हाइड्रोजन जल्दी देंगे, हाइड्रोजन जल्दी दे रहे हैं तो एक तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जिसको जल्दी देगा उसका रिडक्शन जल्दी होगा तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, बस ये ध्यान रखना। तो उल्टा कर दीजिए, एसिडिक कैरेक्टर में ऑक्साइड्स में कर देंगे आप टॉप टू बॉटम, क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर हाइड्राइड मेटल्स का बढ़ता है बॉटम में, तो ये तो ऑक्साइड मेटल्स है बॉटम के अंदर, तो एसिडिक नेचर नेचर बॉटम, ठीक है, क्या होगी, डिक्रीज, ओके। और ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग नेचर, इनकी रेड्यूसिंग नेचर बॉटम में इंक्रीज हो रही है तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगी, इनकी एसिडिक नेचर बॉटम में इंक्रीज हो रही है तो इनकी बेसिक नेचर इंक्रीज होगी, एसिडिक नेचर बॉटम में डिक्रीज हो जाएगी। तो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, मैटर नॉन मेटल में मैंने आपको टेबल बता रखी है कि मेटल के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड एसिडिक होंगे, तो इनका टॉप जो है ऑक्साइड्स का, ठीक है, वो क्या होगा, एसिडिक ज्यादा होगा क्योंकि उधर नॉन मेटल्स है, और बॉटम कैसा होगा इनका, कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग और एसिडिक के साथ में उल्टा हो जाएगा, बॉटम कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है, एंड ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। इनका टॉप है एसिडिक रिड्यूसिंग और इनका बॉटम है बेसिक ऑक्सीडाइजिंग, इनका बॉटम है एसिडिक, ठीक है ना, हाइड्राइड्स ऑफ मेटल एसिडिक रिड्यूसिंग, इनका टॉप है बेसिक और ऑक्सीडाइजिंग, कंप्लीटली बेस नहीं बोल रहा हूं मैं, कंपैरिजनली बोल रहा हूं, रिलेटिव एसिडिक और बेसिक नेचर बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। ये एसिड बेस, आप बोलोगे कि सर फिर इसका मतलब वाटर बेस है क्या, नो बच्चों, वो एम्फोटेरिक होता है, इसका मतलब सामने वाले पर डिपेंड करता है, मैं पूरे ग्रुप में आपस में रिलेट कर रहा हूं कि इसके ग्रुप को देखोगे तो इसके बॉटम एसिडिक हो जाएंगे, टॉप बेसिक हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि H2O सबके लिए बेस है, सामने वाले पर डिपेंड करेगा, ठीक है, यही इसके अंदर लागू होगा, ओके गाइस। तो ऐसे गलत मत पकड़ने ना किसी चीज़ को, है ना, गलत मत समझ जाना आप लोग कि सर आप हाइड्राइड को टॉप पे बेसिक बता रहे हो तो इसका मतलब H2O ऑक्सीजन का हाइड्राइड बेसिक है क्या, नहीं बच्चों, ऐसे गलत नहीं पकड़नी है किसी चीज़ को, समझिएगा बात को, मैं रिलेटिव का बात यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चले फिर आगे बढ़ते हैं, नाउ वी टॉक अबाउट दी रिएक्टिविटी विद हैलोजन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा काफी सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। थर्ड वन विथ हैलोजन्स, देखिए क्या करेंगे हैलोजन से रिएक्ट करके, गिव हैलाइड्स, लाइक कौन कौन से हैलाइड देते हैं बच्चों, और ये मैंने आपको कोवेलेंसी में एग्जांपल भी दिया है, किसका दिया है, EX6 का, हेक्सा हैलाइड का, आपको हेक्सा फ्लोराइड का SF6 एग्जांपल दिया था, तो वो इसी में बिलोंग कर रहा है ना। और ये क्या कर सकते हैं, SX4 भी बना सकते हैं और X2 भी बना सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी गाइज, इसकी +X, +4 and +2। बताइए बॉटम में कौन स्टेबल होंगे, बॉटम के अंदर ये स्टेबल होंगे, टॉप पे ये स्टेबल होंगे और ये होंगे रेयर, ठीक है, ये थोड़े कम बनेंगे। समझ में आ गई क्या आपको बात, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में हैलाइड्स जनरली नहीं बनते हैं, उनको कोई ना कोई मेटल का सपोर्ट लेना पड़ता है, जैसे आप बात कर सकते हैं KClO3, तो ये ऑक्सीजन का ना होकर के इस मेटल की सपोर्ट से इससे जुड़ रहा है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन के हैलाइड्स जनरली नहीं बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अपन स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, स्टेबिलिटी की वही बात हो जाएगी कि भैया कौन से हैलाइड्स स्टेबल होंगे, कौन से हैलाइड स्टेबल होंगे। स्टेबिलिटी आप देखिए, बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, आप जैसे ही आयोडाइड की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, साइज इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी कम, जल्दी डिसोसिएट होगा, लेस स्टेबल, दिस इज द स्टेबिलिटी ट्रेंड इन दी हाइड्राइड्स, ओके गाइस, ये हाइड्राइड्स का स्टेबिलिटी ट्रेंड है। अब देखिए हेक्सा हैलाइड्स की अपन बात करते हैं, जनरली हेक्सा हैलाइड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हेक्सा हैलाइड्स, मेनली
दीज आर हेक्साफ्लोराइड्स। बच्चों आप इस बात पे ध्यान देना कि ये जनरली क्या होते हैं, हेक्साफ्लोराइड्स होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जांपल SF6, क्योंकि हमें पता है कि SF6 के अंदर क्या है, कोवेलेंसी 6 है, एंड इनकी कोवेलेंसी को 6 ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड द एक्सपेंशन ऑफ द ऑक्टेट। एक यहाँ से डी में ले जाना पड़ेगा और एक यहाँ से डी में ले जाना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंशन करने के लिए सामने जो इलेक्ट्रॉन रिसीवर है उसको भी ताकतवर होना पड़ेगा, तभी इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो सकता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोराइड्स, जो फ्लोराइड सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए ये क्या कर सकता है, इनको मैक्सिमम कोवेलेंसी तक एक्सपेंड कर सकता है। इसलिए हेक्साफ्लोराइड्स ही हेक्साहैलाइड्स के अंदर पॉसिबली बनते हैं, ये बात आप समझिएगा, ठीक है। एंड ऑल आर गैसेस, जितने भी हेक्साहैलाइड्स हैं वो क्या होते हैं, गैस इन द नेचर होते हैं, समझ में आई बात। तो आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि हेक्साहैलाइड्स में SF6 या फ्लोराइड्स ही क्यों बनते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, कोवेलेंसी 6 है और ये एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट की वजह से होता है, और ये एक्सपेंशन किसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से हो सकता है, विच इज़ फ्लोराइड। ओके, अच्छा, इनके अंदर आप ये कहेंगे कि इनके अंदर अगर आप शेप की बात करते हैं तो शेप आप ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि जहाँ पे भी 6 कोवेलेंसी आती है तो ऑक्टाहेड्रल होता है। आई एम जस्ट ड्रॉइंग आउट द स्ट्रक्चर एज वेल ऑफ द SF6, और मैं पहले भी इसकी बात कर चुका हूँ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF6 विच इज ऑक्टाहेड्रल शेप। ओके, 4 हेड्रॉन्स आर ऑन द अपर साइड एंड 4 हेड्रॉन्स ऑन द डाउन साइड, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोराइड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेट्राहैलाइड्स एंड द डाइहैलाइड्स। ओके, तो देखिए टेट्राहैलाइड्स जो हैं उनके अंदर क्या होता है, देखिए आगे। तो SF4 जैसे अपन एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, so this is all about the hexahalides and let's talk about the tetrahalides. Okay, in tetrahalides जो जनरली आप देखेंगे कि SF4 gaseous state में होता है, इससे और आप down to the group जाते हैं तो सेलेनियम का जो tetrahalide है, जिसमें आप fluoride भी बोल सकते हैं और क्लोराइड्स भी बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, इनका जो फिजिकल स्टेट है वो बदलता चला जाएगा। जैसे इसका सेलोरियम टेट्राफ्लोराइड का क्या हो जाता है, दिस काउंट्स एज द लिक्विड, और आप टेलोरियम की बात करते हैं देन इट्स सॉलिड, ठीक है। और इसके पीछे मैं नहीं समझता कि आपको ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें, हाइब्रिडाइजेशन देखिए, मैं एक स्ट्रक्चर बना करके हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा ये आप सोच रहे होंगे कि सर आवश्यकता है, बताइए क्यों ऐसा हो रहा है। देखो बच्चों, जैसे आप SF4 से इसमें सेलोरियम में जाएंगे, टेलोरियम में जाएंगे, तो ये जो आपका सल्फर सेलोरियम टेलोरियम एलिमेंट है उसका साइज़ बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम सीधी सी बात है, और साइज़ बढ़ेगा तो इस पूरे मॉलिक्यूल का साइज़ भी बढ़ेगा, और जिस मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ता जाता है उसके इंट्रैक्शन जो है, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा, तो उतना ही लिक्विड में और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, तो दैट विल बी काउंटेड एज द सॉलिड। ओके, नथिंग मोर देन दिस, ज़्यादा इसमें वरी होने की बात भी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट स्ट्रक्चर क्या है, सल्फर है हमारे पास में, 4 फ्लोरीन है। ओके, अब 4 फ्लोरीन हुआ तो ये मैंने 4 फ्लोरीन ऐसे जोड़ दिए। ओके, ये 4 फ्लोरीन मैंने यहां पे जोड़े हैं। ओके गाइस, अब देखिए, अब इस 4 फ्लोरीन के अंदर आप देखेंगे कि सल्फर में 4 फ्लोरीन के बाद एक लोन पेयर भी तो रह गया, ठीक है ना, इसमें S2P4 है तो इसके P4 का एक्सपेंशन हो जाएगा 3। इसका हाल कैसा होता है देखिए, यहाँ पे पेयर है और ये अनपेयर्ड है, तो 2 बॉन्ड और एक इसका अनपेयरिंग, तो ये तो आ गए इसमें 4 बॉन्ड में, एक ही लोन पेयर भी तो है। एक लोन पेयर आते ही ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा डिस्टोर्टेड हो जाता है। अगर 4 बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल ना होकर के थोड़ा सा डिस्टोर्टेड हो जाएगा, और डिस्टोर्टेड कैसा होता है बच्चों वो देखिए आप, दिस इज अ लोन पेयर, ठीक है, इस टाइप से कुछ,
ऐसे। तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर को आप उल्टा करेंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखी हुई भी है, ठीक है। ये क्या है, ये है ट्राइगोनल टाइप का, जो इस स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे बायपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होती है, ठीक है। इन दोनों को बायपिरामिड लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टोर्टेड होकर के सीसो टाइप की, ये सीसो झूला होता है ना पार्क में, जिसके ऊपर एक बैठता है तो झुकता है फिर दूसरा झुकाता है, ऐसे झूला होता है, उस टाइप का झूला ये बन गया, सीसो स्ट्रक्चर, ओके। और हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे तो देख लीजिए, 1 2 3 4, चार तो इसमें बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, 5, तो एस पी 3 3 2 1 4 एंड डी, तो एस पी 3 डी हाइब्रिडाइजेशन है, एस पी 3 हाइब्रिडाइजेशन सीसो ड्रैगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर शेप होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक्सेप्ट सेलेरियम, सेलेरियम के अलावा क्या होता है, ऑल फॉर्म्स, सभी क्या करते हैं, सभी बनाते हैं डाईहैलाइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, हैलाइड्स। और उसमें भी मेजरली क्या बनते हैं, डाइक्लोराइड बनते हैं, डाइक्लोराइड एंड डाइब्रामाइड्स फ्रीक्वेंटली इसमें बनते हैं, ओके गाइस। अच्छा एक और चीज, मोनोहैलाइड्स जो होते हैं, मोनोहैलाइड्स विल बी, अगर आप मोनोहैलाइड बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे रहेंगे, पॉलीमराइज, और पॉलीमर भी कैसा रहेगा, डाइमराइज रहेंगे, ठीक है। इस बात पे शायद आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। डाइमराइज का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे, डाइमर बना लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि भैया सल्फर की मैं बात कर रहा हूँ, SCl, ये हो गया इसका मोनोमर, ओके, और ये है मोनोहैलाइड, है ना, सल्फर का मोनोहैलाइड हो गया, लेकिन ये तो रुक नहीं सकता, प्लस वन स्टेट तो इसकी हो नहीं सकती है, तो ये क्या कर लेगा, H2Cl2, दिस इज वॉट, दिस इज डाइमराइजेशन ऑफ ए मोनोहैलाइड, है ना। ऐसे ही आप सभी के मोनोहैलाइड्स को डाइमराइज कर सकते हैं, दिस इज द वे हाउ द डाइमर्स ऑफ ऑल ऑफ दीज आर बीन फॉर्म्ड, ठीक है ना। HCl जुड़ करके क्या बना रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं, ओके। अच्छा अब इसमें देखिए, बहुत ही एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है इनकी, वो कैसी होती है, डिसप्रोपोर्शनेशन की प्रॉपर्टी होती है। आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिसप्रोपोर्शनेशन कैसी प्रॉपर्टी है गाइस, डिसप्रोपोर्शनेशन की प्रॉपर्टी है, किसमें होती है, मोनोहैलाइड्स ऑफ दीज ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स, ओके। और तो मोनोहैलाइड्स क्या कर रहे हैं, इनके डाइमर का फॉर्म कर रहे हैं, तो ये डाइमर क्या कर सकता है, डिसप्रोपोर्शनेशन करता है, Se2Cl2 जस्ट फॉर्म्स टेट्राहैलाइड ऑफ द सेलेनियम एंड द सेलेनियम। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 आ रहा है, देन आई एम जस्ट पुटिंग 2 हियर, तो 2 2 जो 4 क्लोरीन और सेलेनियम कितने 4 है, उसमें से एक आ गया, देन 3 हियर, दिस इज द डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ द डाइमर ऑफ द मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड का तो ये डाइमर है ना, क्योंकि सेलेनियम क्लोराइड ये क्या है, मोनोहैलाइड, ऐसा ही एक सेलेनियम क्लोराइड हमने यहाँ जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट डाइमर, Se2Cl2, दिस इज द डाइमर। और ये डाइमर मोनोहैलाइड के डाइमर क्या कर सकते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन करते हैं। एंड व्हाट इज द डिसप्रोपोर्शनेशन, आप लोग जानते होंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और वो होता क्या है, होता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, या दूसरे शब्दों में हम बोले द ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज एंड इनक्रीज इन अ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी जाए और कम भी हो जाए, बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होगी तो रिडक्शन। आप देखिए सेलेनियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, है ना। देखो 2 Cl है तो -2, 2 सेलेनियम है तो कितनी हो जाएगी +2, तो एक की कितनी होगी +1 -1, समझ में आ रही बात। अब सेलेनियम हमारा सेंट्रल एटम है, उसके हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, हमारा जो रिएक्टेंट है, हमारा बेसिक कंपाउंड है, उसमें कितनी है +1। आप इसमें देखिए Cl का है -1 × 4 तो -4, तो सेलेनियम की कितनी हो जाएगी +4। और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, सॉलिड स्टेट में मेटल आ रहा है बच्चों, तो जीरो स्टेट होती है ना, तो देखो +1 से जीरो में जा रहा है तो इसको तो क्या बोलेंगे आप, रिडक्शन बोलेंगे, और +1 से +4 में जा रहा है इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सेम एक ही एलिमेंट सेलेनियम का
गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं, विच यू आर सीइंग इन द डाइमर्स ऑफ द मोनोहैलाइड्स, मोनोहैलाइड के डाइमर के अंदर ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे H2S ध्यान देना और H2TE टेलुरियम हैलाइड हाइड्राइड और सल्फर हाइड्राइड एसिडिक कौन है ज़्यादा मुझे ये बताइए, और बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन इनमें बताइए। तो मैं ये कहूँगा कि एसिडिक नेचर में तो ये ज़्यादा है और बेसिक में तो उल्टा कर देंगे, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कम होती है, ये H प्लस को जल्दी डोनेट करेगा क्योंकि बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है, ये जल्दी देगा तो H प्लस जो ज़्यादा देगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा H2S, है ना। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे आपको H2O और H2S के बीच में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि H2O रूम टेम्परेचर पे एज अ लिक्विड एग्जिस्ट करता है और H2S गैस करता है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ दिस ग्रुप ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी एंड लेट्स स्टार्ट विद द कंपाउंड्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप विच इज ऑक्सीजन, और उसका मैं पहला कंपाउंड ले रहा हूँ बच्चों, डाई ऑक्सीजन में पहला कंपाउंड उसमें ले रहा हूँ, सो बी रेडी फॉर द डाई ऑक्सीजन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डाई ऑक्सीजन, ओके, दिस इज डाई ऑक्सीजन एंड टर्म्ड एज O2, इसको मैंने डाई ऑक्सीजन बोल करके O2 इसको बोला है। चलिए अब अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि भैया इसको कैसे कैसे बनाया जा सकता है। अब देखिए इसको मैं बनाने की बात करता हूँ, प्रिपरेशंस की बात करता हूँ, प्रिपरेशंस की बात करें तो फर्स्ट प्रिपरेशन हम बोल सकते हैं कि बाय कैटालाइटिक हीटिंग ऑफ किस किस की, देखिए क्लोरेट्स हो सकते हैं, है ना, इसके अलावा परमैंगनेट्स हो सकते हैं, परमैंगनेट, ठीक है, इनकी अगर आप कैटालाइटिक हीटिंग करते हैं, ठीक है, जैसे और नाइट्रेट्स भी हो सकते हैं, इनकी कैटालाइटिक हीटिंग क्या करता है, गिव्स O2 डाई ऑक्सीजन देता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट KClO3, व्हाट इट इज पोटेशियम परक्लोरेट्स या क्लोरेट बोलिए यहाँ पे, तो ठीक है पोटेशियम क्लोरेट है और मैंगनीज डाइऑक्साइड मैंने यहाँ पे कैटालिस्ट ले लिया, एंड ये जो आपका सिंबल है ये किसका है, हीटिंग का सिंबल होना है ना, तो ये क्या दे देता है, दिस गिव्स KCl प्लस O2 देता है। दिस इज द वे हाउ वी आर कैटालाइटिक हीटिंग टू द कंपाउंड टू जस्ट प्रोवाइड द ऑक्सीजन। ठीक है, लेट्स बैलेंस इट आउट, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों की स्टोइकोमेट्री को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 की स्टोइकोमेट्री को यहाँ कर दीजिए, 2 की मेट्री को यहाँ कर दीजिए, तो ये 2KCl यहाँ हो जाएगा, नाउ इट इज बैलेंस्ड ऑन। ठीक है, बहुत सस्ते में निपट गए, पहला प्रोसीजर क्या हुआ, क्लोरेट्स परमैंगनेट्स और नाइट्रेट्स इनका कैटालाइटिक हीटिंग कीजिए, गर्म कीजिए, गर्म करते ये क्या देंगे, डाई ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए कुछ मेटल के ऑक्साइड्स हैं, उनको हीट करके भी आप डिकम्पोज कर सकते हैं एंड कैन गो फॉर द जस्ट फॉर्मेशन ऑफ द, देखिए जरा, बाय डिकम्पोजिशन। ठीक है, व्हाट एम आई डूइंग, डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कौन से मेटल ऑक्साइड इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ होते हैं, ध्यान देना, मेटल विच इज टुवर्ड्स बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आर यू गेटिंग द पॉइंट, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बॉटम की तरफ है, एज यू सी लाइक दिस H2O ऑक्साइड्स ऑफ सिल्वर एंड ऑल दिस काइंड ऑफ दिस थिंग्स, यू सी
फोर एच जी ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें, ये क्या हुआ, सिंपल सी चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमारे ऑक्साइड्स थे उनसे सिंपली क्या हो रही है, ऑक्सीजन गैस। ये जो इनके सबस्क्रिप्ट्स हैं बच्चों, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पे ये मरकरी है तो ऑब्वियसली ये लिक्विड में होगा, सिल्वर है सॉलिड, ये गैसेस हैं, ये सॉलिड में होता है, ये सॉलिड में होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में देखिए सम हैवी मेटल्स, हैवी मेटल ऑक्साइड ऑल्सो डीकम्पोज्ड, वो भी क्या होते हैं, डीकम्पोज होते हैं, जैसे Pb3O4 भी हो सकता है, PbO2 भी हो सकता है, एंड जस्ट ये सब क्या दे देते हैं, PbO+O2 दे सकता है। तो ये ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स हैं, तो ये तो क्या रहेंगे, सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, एंड ये क्या दे देते हैं, ये जनरेट कर देते हैं किसको, ऑक्सीजन को। ये सब क्या है, हीटिंग डिकम्पोजिशन है बच्चों, हीटिंग डिकम्पोजिशन मतलब इन ऑक्साइड्स को आप गर्म करेंगे, है ना, बहुत सिंपल सी समझ में आ रही है, कोई ज़्यादा बड़ी लोड वाली बात नहीं है। आप इनको गर्म करेंगे तो ये क्या दे रहे हैं, PbO दे रहे हैं, एंड ना ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस, ये सब क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं, स्टिल दीज आर ऑक्साइड्स, तो ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और आप देखिए कि ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ठीक है, बैलेंस आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से। देखिए कितने ऑक्सीजन जा रहे हैं, यहाँ पे 2 कीजिए, यहाँ पे 2 कीजिए, 2 2 जो 4, 2 n 2 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर दें तो ये कितना हो गया, Pb3 है, सो मैंने यहाँ पे किया 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 किया तो 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 4 हैं, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंसिंग ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इवन स्टोइकियोमेट्री आ जाती है तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि स्टोइकियोमेट्री को आपस में आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं इसमें क्या कर दूँ, इसी को इंक्रीज कर देता हूँ, इवन में लाने के लिए मैंने 4 2 8 हो जाएगा, 8 में ये तो हो जाएगा 3 2 6, तो 6 ये हो गया, तो 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ये हो गए, ठीक है, दिस इज नाउ बैलेंस। तो ये हमारा क्या था, दूसरा प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन था, प्रिपरेशन था डाइऑक्सीजन का, जो क्या है, मेटल के ऑक्साइड्स का थर्मल डिकम्पोजिशन हम देख रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा था, किससे हमने देखा था बच्चों, हमने देखा था कि क्लोरेट्स जो हैं, परमैंगनेट्स जो हैं, या फिर नाइट्रेट्स जो हैं, उनको आप थर्मली डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, इसके बाद देखते हैं थर्ड, देखना हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये तो आपने पढ़ा है 11th क्लास में, आई रिमेम्बर, अब आपको याद है नहीं है पता नहीं, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है बच्चों, डीकम्पोज होता है, ठीक है, डीकम्पोज्ड कैटालिटिकली, कैसे, कैटालिटिकली, और वो भी कौन होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड डालेंगे ना आप, तो ये इसके डिकम्पोजिशन को कैटालाइज करता है बच्चों। देखो H2O2 डॉक्टर्स भी रखते हैं इसको डिसइंफेक्शन के लिए, जैसे हमारे वाउंड्स होते हैं, ड्रेसिंग्स वो करते हैं, तो कई बार H2O2 डाल देते हैं, बस बड़े फोम से बनते हैं, झाग से बनते हैं, तो वो क्या होता है, H2O2 डालते हैं वाउंड्स के ऊपर डिसइंफेक्शन के लिए, तो वो जो हमारा H2O2 है उसके अंदर वो क्या करते हैं, पॉइजन्स डालकर, पॉइजन हमारे लिए पॉइजन नहीं, उसका कैटालिसिस रिएक्शन का पॉइजन, मतलब उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, मतलब उसको डिकम्पोज नहीं होने देते। लेकिन MnO2 क्या है, इसका डिकम्पोजिशन का कैटालिस्ट है, जो इसके डिकम्पोजिशन को एनहांस करता है। और आपको मालूम है कि H2O2 जो है हमारे पास, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये क्या करता है, डिकम्पोज होकर के वाटर मॉलिक्यूल विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिकम्पोजिशन देता है, और ये आप बहुत ही अच्छे से समझते हैं। और ये भी क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर रहता है, ये तो हमारा लिक्विड हो, दिस इज अ गैस, ठीक है, और आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 3 2 6 3, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 करूँ मैं, इसको तो 1 रहने दो, टू टू जा फोर, 2 n 2 4, ठीक है, दिस इज द वे हाउ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या हो रहा है, कैटालिटिकली डिकम्पोज होकर के ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखिए, क्या दे सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस,
ऑफ वाटर, ठीक है। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी प्रिपरेशन है बच्चों, लैब में जैसे ही आपको ऑक्सीजन बनाना है ये कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर में दो इलेक्ट्रोड इमर्स कीजिए तो वो क्या देता है, गिव्स, एक तो कैथोड पर क्या होता है और एक एनोड पर क्या होता है, आप समझिए। ध्यान देना इस बात पे कि ऑक्सीजन जो वाटर से है, ऑक्सीजन निकलने वाला है, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन H प्लस होता है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में रिलीज होगा, ऑक्सीजन माइनस टू होता है वो इलेक्ट्रॉन दे करके क्या होगा, ऑक्सीजन में रिलीज होगा। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे, इसका मतलब ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होगी, एनोड पे, और कैथोड पे कौन रिलीज हो रहा है, H2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, एक इंडस्ट्रियल मेथड जो है भैया, इंडस्ट्रियली आप कैसे कर सकते हैं, इंडस्ट्रियली बहुत ही लार्ज स्केल पे है, इंडस्ट्रियली इसका प्रिपरेशन जो है वो किससे कर सकते हैं, बाय लिक्विफिकेशन। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर एंड देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए बहुत ही समझदारी वाली बात है कि हमारे हवा में ऑक्सीजन कितना है, 21% है, नाइट्रोजन कितना है, ऑलमोस्ट 78% होता है, सब लोग जानते हैं, बाकी CO2 हो गया और कुछ एक क्या हो सकते हैं आपके, हीलियम वगैरह, आर्गन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें, इनको सेपरेट करना है हमें सबसे पहले, ये तो वैसे भी हमारे मिक्सचर में एयर में होनी चाहिए, CO2 को सेपरेट कर देते हैं, बाकी हमारे पास अब मेजर कौन बचा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बचा, इनको लिक्विफाई करेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है तो ये पहले सेपरेट हो जाएगी, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, ये थोड़ी बाद में सेपरेट होगी, कुल मिलाकर के हम एयर से भी ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं, तो लार्ज स्केल पे हम इसका सेपरेशन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अब अपन बात करते हैं इसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। चलो जी, ध्यान देना, ऑक्सीजन कैसी होती है, मुझे तो कोई कलर उसमें नजर नहीं आता, तो मैं तो इसको कलरलेस बोल रहा हूँ, मुझे तो उसमें कोई ऑर्डर भी नहीं आती है तो मैं उसे ऑर्डरलेस भी बोल रहा हूँ, और मुझे कोई टेस्ट भी उसमें नहीं आता है तो टेस्टलेस बोल रहा हूँ। लेकिन एक खास बात है, विथ हाई वाटर सोल्यूबिलिटी, ये इसमें खास बात है बच्चों, है वाटर सोल्यूबिलिटी कितनी होती है, 3.08 ml पर 100 ml वाटर। ध्यान देना कितनी होती है, अगर आप 100 ml वाटर ले रहे हैं तो उसके अंदर आप कितना कर सकते हैं, 3.08 ml ऑक्सीजन को डिसोल्व कर सकते हैं, बट ये ध्यान देना 293 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। इसको आप कहीं पे ऐसे भी देख सकते हैं, 3.08 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन इन दी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर। बहुत ही सिंपल सी बात समझना कि 100 ml वाटर लीजिए, उसमें कितनी ऑक्सीजन डिसोल्व हो सकती है, 3.08 ml डिसोल्व हो सकती है, बट टेम्परेचर है, क्योंकि अब मैंने सेकेंड सोल्यूबिलिटी सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि गैस की सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज होती है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो इस टेम्परेचर पे दिस इज द, और ये कौन सा टेम्परेचर बच्चों, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का, दैट इज द 293 केल्विन, आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, है ना, 20 डिग्री हो गए ना यहाँ पे, 293 का मतलब क्या हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे ये सबसे बेस्ट सॉल्युबिलिटी होती है, और जो मैराइन एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो 20 डिग्री सेल्सियस पे बड़े आसानी से, बड़े मस्त से रहते हैं पानी में, क्योंकि ऑक्सीजन खूब डिसॉल्वड है, खूब आसानी से वो ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मियां आती हैं, गर्मियां आएंगी तो क्या होगा,
जो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो गहराई में चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि सरफेशियल वाटर हॉट हो गया और हॉट वाटर में टेम्परेचर बढ़ते गैस की सोल्युबिलिटी कम हो गई, तो वो वहाँ पे रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं हो पाती, दैट्स व्हाई दे गोज डाउन इन द समर्स इन द वाटर लेवल। ओके, अच्छा देखिए, इसका एमपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही खास हैं हमारे लिए, जो कितना होता है 90 केल्विन मेल्टिंग है और 55 केल्विन क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो हमारे लिए क्या है, ये एक खास पैरामीटर है। अच्छा, इसमें देखिए मोलिकुलर ऑक्सीजन, मोलिकुलर ऑक्सीजन जो है वो कौन सी है हमारे पास, जो जनरली हम यूज करते हैं O2, और ये एक हमारे पास इसमें पैरामैग्नेटिक। वैसे तो ये आपका 11th का एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है कि why oxygen is paramagnetic even number of electron। एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 16 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बच्चों, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में पढ़ ली है, 11th में भी आप पढ़ के आए। मैग्नेटिक कैरेक्टर कब होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसकी वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर जनरेट होता है। इवन दो इसमें पेयर्ड हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, 16 टोटल हैं तो 8 पेयर हो गए, तब भी ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। और ये कौन बताता है, Told and explained by MOT, molecular orbital theory. आपने 11th में पढ़ी थी molecular orbital theory. तो ये क्या कहता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक। तो MOT इसको एक्सप्लेन करती है और ये क्या है, प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन्ड चीज है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं बच्चों, जो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, 11th में भी इन चीजों को पढ़ चुके होंगे, तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, इसकी रिएक्टिविटी, ध्यान देना इस बात पे, रिएक्टिविटी बिल्कुल क्लोजली वॉच करना इस बात को, ठीक है। इट इज रिएक्टिव विथ मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स। पेरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं लगभग सबके साथ में ये क्या कर सकती है, रिएक्ट करती है, लेकिन कुछ एक हैं बदमाश जो पंजे में नहीं आते हैं, गोल्ड है ना, सिल्वर, ऑल दीज आर एंड सम नोबल गैसेस। मैं बात कर रहा हूँ सम नोबल गैसेस, क्योंकि बच्चों जीनोन जो हुआ, आर्गन जो हुआ, इनके ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं, हम बना चुके हैं इनके ऑक्साइड्स, इसलिए कुछ एक नोबल गैसेस इससे रिएक्ट नहीं करती हैं, बाकी तो कर लेती हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। रेडॉन वगैरह रिएक्ट नहीं करती हैं, जीनोन वगैरह, आर्गन वगैरह रिएक्ट कर लेती हैं। तो कुछ एक मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर हो गया, जो क्या है हमारे नोबल मेटल्स होते हैं, कॉइन मेटल्स होते हैं, ये भी रिएक्टिविटी कम शो करते हैं, और कुछ नोबल गैसेस जो रिएक्टिविटी कम शो करती है उनको छोड़ करके ये सबको लपेट सकता है, ठीक है ना, सबको गुणिया में ले लेता है ये, मतलब सबको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही सुंदर सी बात है इसके इस रिएक्टिविटी में, कि ये जो रिएक्शंस होती हैं, दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। कैसी है, एक्सोथर्मिक है, मैं एक मेनली वर्ड लगा रहा हूं जो क्या करता है, इसका मतलब क्या है कि लगभग सभी कुछ रह सकती हैं, ठीक है। सो रिएक्शंस आर क्विक एंड इजी, मतलब इन रिएक्शंस को आपको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, रिएक्शन चालू करा दो, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसकी जो एनर्जी है उस रिएक्शन की, उसी को एब्जॉर्ब करके वो आसानी से रिएक्शन चलती रहती है, इस बात को फोकस कर लेना आप बहुत अच्छे से, ठीक है ना। जो रिएक्शंस हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर सस्टेन्ड वेरी इजीली। ये कैसी रिएक्शंस हैं, कैसी रिएक्शंस हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी है बच्चों, कॉम्बिनेशन, ऑक्सीजन के साथ में आप रिएक्ट करवाओगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी, और वो कैसी है, सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब एक बार चालू हो गई तो चलती जाएगी, या तो ऑक्सीजन खत्म हो या वो कोई एलिमेंट खत्म हो जो रिएक्ट कर रहे हैं, वो खत्म होंगे तभी रोकेगी, नहीं तो चलती रहेगी।
क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन से एक्सोथर्मिक होने की वजह से एनर्जी मिल रही है, वही एनर्जी अगली रिएक्शन में काम में आएगी, फिर उससे निकलेगी अगली में, और आराम से घूमते 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 सस्टेन्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर बीन एक्सेप्टेड हियर। ओके, अच्छा इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूंगा कि यहां पर द रिएक्शन मस्ट बी इनिशिएटेड वंस। ध्यान देना इस बात पे, बहुत ही वजन वाली बात है। हमने कहा कि वो रिएक्शंस अपने हिसाब से चलती जाएंगी सस्टेन्ड फॉर अ लॉन्ग, बट वी हैव टू इनिशिएट फर्स्ट। हमें क्या करना पड़ेगा, उन रिएक्शंस को इनिशिएट करना पड़ेगा, मतलब शुरुआत में तो हमें उनको चिंगारी दिखानी ही पड़ेगी। अरे वाह क्या बात है, क्यों चिंगारी दिखानी पड़ेगी? बिकॉज ऑक्सीजन हैव हाई बोंड एनर्जी। क्या है इसकी बोंड एनर्जी? कितनी है? 493.3 किलो जूल्स पर मोल। एक मोल ऑक्सीजन का आपके पास है तो आपको क्या देना पड़ेगा? 493.4 किलो जूल एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। तो रिएक्शन को शुरू करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा CH3+O2 और आप कहते हैं कि इससे CO2+H2 हो रहा है, क्योंकि ये लगभग सभी को ऑक्सीडाइज करती है, तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज्ड है, कार्बन भी ऑक्सीडाइज्ड है, लेकिन रिएक्शन को शुरू करने के लिए ये जो O2 है, कैसा है O2? ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है दैट इज हाई, क्योंकि नाइट्रोजन में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 941.4 किलो जूल्स पर मोल थी, तो इसलिए नाइट्रोजन क्या था, इनर्ट था। तो भैया जब 941 में थोड़ी मुश्किल आ रही थी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था तोड़ने में, तो भैया डबल बॉन्ड भी तो कुछ तो है ना, ये शंकर भगवान है तो भैरव बाबा तो है ना बेचारा डबल बॉन्ड, इसको भी तो थोड़ा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि भैया ठीक है तेरी भी हाई एनर्जी है, तुझे भी शुरुआत में भोग देना पड़ेगा। सो वी नीड टू गिव 493.4 किलो जूल्स एनर्जी इनिशियली टू द रिएक्शन, ताकि वो रिएक्शन एक बार इनिशिएट हो जाए, शुरू हो जाए, फिर तो वो अपने आप संभाल लेगा, है ना, फिर तो वो खुद की एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एनर्जी खींचेगा और अगली में देगा। ठीक है, तो ये आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अब मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको बता देता हूं जिसके अंदर क्या है, बिना किसी कैटलिस्ट के मेटल और नॉन मेटल को ऑक्सीजन क्या कर सकता है, ऑक्साइड्स में बदल सकता है, कैल्शियम को बदल देगा, एल्यूमिनियम को बदल देगा, फॉस्फोरस को बदल देगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है हमारे पास, हमारे अब पिटारे में आगे क्या है, हमारे पिटारे में है कैल्शियम, है कैल्शियम को ऑक्सीजन किस में बदल देता है, कैल्शियम के ऑक्साइड में बदल देता है। ठीक है, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस, एंड दिस इज सॉलिड एज वेल। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव लाइम कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं, एक्टिव लाइम। जो घर में पुताई करने के लिए आप चूना लेके आते हैं, पानी में डालते हैं, तो उसमें क्या होती है, एफर्वेसेंस, बुदबुदाहट, तेज हीट एनर्जी रिलीज होती है, वो लाइम का टुकड़ा जो है ना, चूने का टुकड़ा, वही क्या है, एक्टिव लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। आप कहेंगे कि सर क्या एल्यूमिनियम के साथ भी ये ऐसा ही व्यवहार करेगा? हाँ, ये बहुत ही गुस्से में Al2O3 के जैसे ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर सकती है ये गैस, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज एज वेल सॉलिड। आप इसको बैलेंस करेंगे, यहां पे 2 करेंगे तो एल्यूमिनियम का तो सेटलमेंट हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो यहां पे 3 कीजिए, 3 2 6, यहाँ पे 2 कर दीजिए, ये लीजिए काम खत्म हो गया है हमारा। ठीक है, ये तो काम खत्म नहीं कर सकते हम, ये तो 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा 4। ओके, तो ये क्या है, एल्यूमिनियम को भी ऑक्साइड में बदल रहा है, बहुत ही सुंदर काम हो रहा है भैया। एक होता है हमारे पास फॉस्फोरस, ठीक है, सॉलिड फॉस्फोरस है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, P4O10, बहुत ही शानदार चीज है बच्चों ये P4O10, ये शानदार तो है लेकिन जानदार नहीं रहा। प्यारे बच्चों, ये शानदार तो है लेकिन जानदार नहीं रहा। कारण क्या है? कारण है हमारा सिलेबस 12th क्लास का, कोरोना कारण है इसके अंदर, कोरोना बहुत बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न है? कोरोना की वजह से हमारा सिलेबस थोड़ा कट गया, सिलेबस जो कटा हमारा 15 ग्रुप जो था उसमें फॉस्फोरस आता है नाइट्रोजन के पास में, उसका एक भी कंपाउंड हमने नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि सिलेबस में हटा दिया गया है, और ये वहीं पे आता है वाइट कलर के फ्यूम्स। फॉस्फोरस को आप एयर में रखोगे, इतना रिएक्टिव होता है, वाइट फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या कर देगा, वाइट फ्यूम्स देना शुरू कर देता है। दैट इज P4O10, दिस इज वाइट फ्यूम ऑफ द फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस को
ऑक्सीजन जो है ना कान पकड़ के व्हाइट फ्यूम्स में इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है, बहुत ही सुंदर। अच्छा, मैं कार्बन को क्या करता हूं बच्चों, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराता हूं, मतलब बर्न करते हैं ना कार्बन को, कार्बन को बर्न करते हैं तो कंप्लीट बर्निंग होती है तो CO2 आती है, इनकम्प्लीट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, है? इसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है। एक मेरे पास देखिए ZnS, मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में जब सल्फर, इस ग्रुप की शुरुआत में जब सल्फर पढ़ा था, मैंने पढ़ा नहीं था, पढ़ाया था उस समय पे, मैंने एक आपको बात बोली थी। क्या बात बोली थी, बोलिए। मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा था क्या, जिसको मैंने क्या लिखा था, जिसको मैंने जिंक पाइराइट बोला था, है जिंक ब्लेंड बोला था, सॉरी जिंक ब्लेंड बोला था। ये क्या है, दिस इज दी ओर ऑफ जिंक। जिंक जो है ना हमारे पास मेटल, उसका ओर है। अर्थ क्रस्ट किस फॉर्म में मिलेगा, जिंक सल्फाइड फॉर्म में, जिंक सल्फाइड मिल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड बोलते हैं इस ओर को। इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनाते हैं पहले, जिससे SO2 गैस रिलीज कर जाती है। ये चैप्टर भी खा गए, ये बोर्ड वाले कोरोना खा गए इस चैप्टर को भी, 6th चैप्टर एक्सट्रैक्शन, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती थी, बट उसको भी कोरोना निकल गया, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, इसको संभाल लेना इतना ही, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से चल रहा है, अच्छा चलने दीजिए इसको स्मूथली। अच्छा, इसके बाद भी आप काफी सारी चीजें देखोगे, मैंने इसका ये दिखाई दिया है, CH3 नहीं है भैया, CH4 है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये भी क्या कर सकता है, मैथेन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। अच्छा, कुछ हमारे पास में है जो नॉन मेटल्स हैं, कुछ हमारे पास में कैटालाइटिक होते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटालाइटिक है और ये आपको मिलता, अरे बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है हमारे पास बच्चों, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी थी, वो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये ध्यान दीजिए क्या है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड में हो रहा है, ये आपको देखने को मिलता है H2SO4 के प्रिपरेशंस में। कहाँ, H2SO4 के प्रिपरेशन में, जो क्या है, इस सल्फर का ऑक्सो एसिड है। और इस 7वें चैप्टर में पी ब्लॉक में बहुत सारी चीजें होती हैं नॉन इनऑर्गेनिक की, खा गए सारे को कोरोना, खा गया ऑक्सो एसिड, तुम किसी का नहीं पढ़ रहे, हमें फास्फोरस के पढ़ने थे, सल्फर के पढ़ने थे, नाइट्रोजन के तो हमने पढ़े हैं, सल्फर के ऑक्सो एसिड में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है H2SO4 किंग है, ये किंग ऑफ एसिड है, और उसको भी हमने बिसरा दिया है, उसका भी ध्यान नहीं रखा क्योंकि खा गया कोरोना इसको भी। तो H2SO4 का जब अपन क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो कैटालिस्ट चैम्बर जो होता है ना, कैटालिस्ट चैम्बर, उसमें ये वाली रिएक्शन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्जन होता है V2O5 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। आप HCl का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, HCl का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, वो होता है CuCl2 की प्रेजेंस में, देन यू कैन फाइंड दी H2O एंड Cl2 रिलीज्ड। तो आप Cl2 गैस की प्रोडक्शन की बात करेंगे, उसको भी खा गया क्योंकि Cl2 किस में आता है, ग्रुप 17 में, तो हमें फ्लोरीन के बारे में पढ़ना है, क्लोरीन के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं तो ये वाली चीज हम देखते हैं कि क्लोरीन का प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं, HCl के ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं, लेकिन ये मूर्खता है। क्यों है मूर्खता बच्चों, क्योंकि Cl क्लोरीन से ही हम क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं, और उसी HCl से वापस क्लोरीन बनाएंगे, तो मूर्खता ही है ना ये वाली बात, ठीक है, समझ में आई क्या बात। तो ये है हमारे पास में इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस, और मेरे ख्याल से आप लोगों को इसके यूजेस बताने की आवश्यकता नहीं है, है ना। रेस्पिरेशन में हाई एल्टीट्यूड माउंटेनिंग जो करते हैं उनको रेस्पिरेशन के लिए सिलेंडर्स, हॉस्पिटल्स के अंदर फ्यूल के कॉम्बिनेशन के साथ में, जैसे हाइड्रेजीन के अंदर वगैरह, है ना, जैसे ऑक्सीजन जो है लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करती है, जैसे रॉकेट हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, है ना, हाइड्रेजीन फ्यूल होता है, उसके साथ में लिक्विड ऑक्सीजन डालते हैं ताकि उसको वो इग्नाइट जल्दी करे, बहुत तेज़ी से इग्नाइट करेगा तो बहुत सारा एनर्जी एक साथ जनरेट होगा, रॉकेट को एक साथ ही तो हमें क्या चाहिए, थ्रोटल चाहिए ना, एक साथ एनर्जी चाहिए, तो लिक्विड ऑक्सीजन एज ए फ्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं ताकि उसको जल्दी से बर्न किया जा सके, है ना। अच्छा, इसके साथ में एक गैस वेल्डिंग आपने नाम सुना होगा, है गैस वेल्डिंग, उसमें क्या होता है, ऑक्सी एसिटाइलिन बनाते हैं, ठीक है, एसिटाइलिन गैस को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके गैस वेल्डिंग में दो पाइप देखते हैं आप, वो जो बर्नर होता है उसके अंदर दो पाइप जाकर के लगती है, ऑक्सीजन और एसिटाइलिन गैस होती है, वो जाकर के ऑक्सी एसिटाइलिन बनाती है जो बहुत तेजी से बर्न होती है, उसमें भी इसको यूज करते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं, आप यूजेस में आप मात नहीं खाएंगे, आप खुद देख सकते हैं उस चीज को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज लेक्चर व्हिच हैज बीन ओवर हियर विद द डाइऑक्सीजन, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द सिंपल ऑक्साइड्स एंड ओजोन। ओके, टिल देन जस्ट कीप वॉचिंग,
बी सेफ एंड बी स्टडी. थैंक यू वेरी मच.